दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास आज आई हुई है हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 FI मॉडल। आपको यहाँ पर मैं प्रूफ के तौर पे दिखा दूँ और यहाँ पर ऊपर मैं चेक इंजन लाइट आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर जो है मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते रहते हैं कि जो हमारे पास स्प्लेंडर BS6 बाइक है तो उसके अंदर हमें यहाँ पर किल स्विच किस तरीके से लगाना होता है, इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी दो। तो यहाँ पर दोस्तों आज मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि जो हमारे पास स्प्लेंडर BS6 बाइक होती है उस तो इसके अंदर हम ये किल स्विच किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। क्योंकि मुझे जो है कमेंट दो तरह के आते हैं, क्योंकि कुछ भाइयों ने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर जो है जब वो किल स्विच लगाते हैं तो यहाँ पर वो अलग से लंबी चौड़ी वायरिंग लेकर यहाँ पर जोड़ते हैं, तो क्या आप भी इसी तरीके से लगाते हैं? मैंने उनको बोला जी नहीं, मैं इस तरीके से नहीं लगाता, मेरा काम करने का तरीका कुछ और होता है। क्योंकि मुझे पता है कि जिस बंदे को वायरिंग आती है वो किसी भी काम को शॉर्टकट तरीके से कर सकता है वायरिंग के चलते। तो यहाँ पर आज मैं दोस्तों उसकी ही जानकारी आपको दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेरे पास BS6 बाइक है और यहाँ पर मैं इसके अंदर ये वाला किल स्विच लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप चाहें तो जो यहाँ पर ये I3S वाला एक बटन होता है, यहाँ पर जो स्विच होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन चलिए फिलहाल तो हमारे पास वो नहीं है, तो मैं कस्टमर के लिए ये वाला स्विच इसमें लगाऊंगा। तो किस तरीके से लगाना है, कैसे कनेक्शन करने हैं, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि हम इसी तरह से आपके लिए नॉलेज वाले प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते रहते हैं और उनमें आपको जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो हमारे पास किल स्विच है ये तो हम यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले आपने इसके वाइजर को ओपन कर लेना है। अब इसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर इसकी जो लाइट होती है, यहाँ पर जो 12 mm के बोल्ट होते हैं उनको भी आपने यहाँ से रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पर ये आपकी लाइट यहाँ पर इस तरीके से अलग हो जाएगी। अब इसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर इसकी वायरिंग को आपने थोड़ा नीचे खींच लेना है और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, जो यहाँ पर ये कवर होता है। यहाँ पर देखिए ये इसका हमारा मेन इग्निशन स्विच होता है, हम क्या करेंगे यहीं से इसके कनेक्शन करेंगे। अब कनेक्शन किस तरीके से करने हैं यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ। देखिए पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए हमारी बाइक का स्विच ऑन है, ठीक है, यहाँ पर, और जैसे ही हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो बाइक हमारी स्टार्ट हो जाती है और माल फंक्शन लाइट बंद हो जाती है, ठीक है। और जब हम स्विच से ऑफ करते हैं तो ये तो नॉर्मल वैसे ही हमारी काम करेगी, लेकिन हमें काम क्या करना है, ये जो हमारा किल स्विच है ये इस तरीके से हमने इसके अंदर लगाना है कि देखिए हमारा स्विच ये जो है ऑन रहेगा, लेकिन किल स्विच हमारा ऑफ रहने पर यहाँ पर ये नॉर्मल फंक्शन उसी तरीके से काम करेंगे। अब किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें जानकारी दूंगा। तो अब यहाँ पर देखिए स्विच को मैं ऑफ कर लेता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ वायर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 4 तार आपको देखने को मिलेंगे इसमें। देखिए सबसे पहली है रेड, उसके बाद है रेड पे येलो, और इसके नीचे है रेड पे ब्लैक, और इसके नीचे एक और आप देख सकते हैं जो है रेड प्लस इसमें दो रंगी आप ये ब्लैक रंग की लाइन देख सकते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 4 तार हो गई। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 2 तार तो आपको नॉर्मल पता होगी, अब यहाँ पर 2 वायर जो होती हैं वो तो बैटरी बेस पर काम करती हैं, वो उनके बारे में तो सभी को पता होगा, लेकिन जो तार यहाँ पर 2 हैं उनका तरीका कुछ और होता है काम करने का। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, अब इसको पकड़ो भाई, अब चला। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको रेड पे ब्लैक लाइन की ये तार देखने को मिलेगी। मैं इस कपड़ों को पहले अलग कर लेता हूँ, थोड़ा ऊपर उठा लो भाई फोन को। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कपलर इससे अलग हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ये जो हमारी ये वाली तार है, ठीक है, अब यहाँ पर एक आपने नुकीली चीज़ लेनी है और यहाँ से इसके लॉक को यहाँ से आपने रिमूव कर लेना है, ठीक है। आप जैसे रिमूव करेंगे और ये बाहर आ जाएगी, ठीक है। देखिए ये हमारी बाहर आ चुकी है, ठीक है, अब इतना काम आपने कर लेना है। अब यहाँ पर इसके बाद देखिए, थोड़ा ऊपर उठाना फ़ोन को, यहाँ पर आपके पास जो किल स्विच होगा यहाँ पर आपने एक टर्मिनल जो थिम्बल होता है हॉर्न का यहाँ पर इसके साथ लिंक कर देना है। अब मैं किस तरीके से करूँगा ये मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों ये हमने यहाँ पर इतना काम कर लिया है, अब आपने करना क्या है, ये वाला थिम्बल आपने इसमें सिंपली इस तरीके से डाल देना है, ठीक है, और ये यहाँ पर जो है ऐसे लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब इतना काम हो चुका है, अब यहाँ पर इसके बाद इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है, और ये हमारी इसमें लॉक हो गई। अब देखिए मैं स्विच लगाता हूँ तो हमारी बाइक का जो है सेल्फ काम करता रहेगा, आप साउंड सुनिएगा, देखिए, लेकिन ये स्टार्ट नहीं होगी। अब स्टार्ट कैसी होगी, देखिए मैं इस तार को यहाँ पर पकड़ लेता हूँ, ठीक है, देखिए। तो होता क्या है, जो ये ECU को एक्टिवेट करने का काम करता है ये वाली तार, ठीक है। अब इसको मैंने लगाया तो जैसे मैंने इस तार को यहाँ पर टच किया तो फ्यूल पम्प हमारा एकदम से वर्क करने लगा। अब मैं देखिए स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं,
मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा ऊपर उठा अपने फोन, ये हाथ में पकड़, ये हाथ में पकड़। तो देखिए बाइक हमारी स्टार्ट है, ठीक है। अब इसको ऑफ करो, तो यहाँ से किल स्विच से ये ऑफ हो गई। अब देखना, मैं थोड़ा इधर का सीन आपको दिखाऊंगा। तो देखिए हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। अब इसको ऑन करो, हाँ ऑन करो, तो देखिए ऑन हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा मैं इधर इसको पक्का कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर ध्यान, तो ये तार आप बाद में पक्की कर लेना, यहाँ पर आप जोड़ लगा सकते हैं या फिर कोई टर्मिनल होगा वो लगा सकते हैं। अब इधर आना भाई, अब इधर आओ। तो यहाँ पर इस स्विच को पकड़ लेता हूँ मैं, तो इस स्विच को यहाँ पर पकड़ो। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने इस तार को यहाँ पर पकड़ रखा है, ठीक है। दूसरी तार हमने उसके साथ अटैच कर दी है और ये हमारा मेन स्विच उसी तरीके से नॉर्मल काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी बाइक स्टार्ट हो गई, माल फंक्शन लाइट बंद हो गई, ठीक है। अब देखिए बाइक हमारी स्टार्ट है और इसको ऑफ करो भाई। तो देखिए हमारी यहाँ पर ये बाइक ऑफ हो चुकी है और हॉर्न इंडिकेटर सब कुछ चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉर्न इंडिकेटर सब कुछ चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम सर्फ तो लगाएंगे, देखिए देखिए सर्फ हम लगा रहे हैं लेकिन हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। अब स्टार्ट कैसे होगी, ये किल स्विच के द्वारा। इसको ऑन करो, यहाँ पर लाइट ऑन हो गई और मैं देखिए सर्फ लगाया, ये तुरंत स्टार्ट हो गई और यहाँ पर माल फंक्शन लाइट ये तुरंत यहाँ से बंद हो गई। अब मैं आपको दो चार बार ये ट्रिक दिखाता हूँ, इसको ऑफ करो। अब देखिए यहाँ पर जो है, जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये एक बार ऑन होने के बाद बंद हो जाएगी, ठीक है। अब देखना, अब इसको ऑन करो तो लाइट आ गई और मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए हमारी इस किल स्विच से ये ऑन हो गई। तो यहाँ पर ये भी अपना काम कर रहा है बिल्कुल प्रॉपर और ये भी काम कर रहा है, ठीक है। ये तो नॉर्मल हमारा चाबी स्विच काम करेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा किल स्विच इस तरीके से काम करता है, देखिए, ठीक है। इसको ऑफ करो, ऑन करो, देखो ऑन करो, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा किल स्विच ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो कनेक्शन होते हैं, आपने इधर आना भाई, इधर आओ। तो ये जो आपके कनेक्शन होते हैं ये आप इस तरीके से यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको तार दिखाई, ये वाली जो हमारी स्प्लेंडर प्लस बाइक होती है रेड पे ब्लैक रंग की, इसको आपने निकाल देना है और दूसरे वाली तार को यहाँ पर इसमें लगा देना है और इसको यहाँ पर अटैच कर देना है, ठीक है। ये हमारा किल स्विच यहाँ से शॉर्टकट तरीके से काम करेगा। कुछ बंदे मुझे बोलते हैं कि आप शॉर्टकट तरीके से बताओ, कि कुछ भाइयों ने यहाँ पर जो है पीछे से वायरिंग जोड़ के दिखाया है, तो आप एक्सटेंड वायरिंग मत जोड़ना, तो ये शॉर्टकट तरीका आप बता देना। तो मैंने कुछ बंदों को जवाब भी दिया है कॉमेंट बॉक्स में, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये वीडियो में जानकारी दी जाए। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो किल स्विच है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो हमारी HF डिलक्स भी है सफाई है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और तो यहाँ पर दोस्तों ये उसका थंबनेल है और मैंने उसके कनेक्शन किस तरीके से किए हुए हैं, आप उसमें देख लेना। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक छोटी ही जानकारी थी देना भाई, तो यहाँ पर दोस्तों ये छोटी ही जानकारी थी जिसके अंदर आज मैंने यहाँ पर ये किल स्विच इंस्टॉल करके दिखाया। आप इस तरीके से इसके अंदर ये किल स्विच इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसको मैं बाद में यहाँ पर लगा दूंगा। और इसके अंदर ये एक छोटी ही जानकारी थी, जानकारी छोटी थी लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर इसकी जगह आप यहाँ पर ये I3S वाला स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके अंदर से जो तार आएगी, यहाँ पर सिर्फ इसके साथ आपने अटैच कर देनी है, इसको बाहर निकाल देना है और यहाँ पर इसके साथ लगा देना है। तो यहाँ पर आपका जो है ये किल स्विच बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये छोटी ही जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।